नाथद्वारा में भाजपा ने बढ़ती बिजली दरों, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय पहुंचकर राजस्थान सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपराध पर लगाम लगाने की मांग करते हुए भाजपाइयों ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा की जिला उपाध्यक्ष संगीत कुमार चौहान ने बताया कि राजस्थान की सरकार कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली बिल थोप रही है, जबकि आम आदमी और किसान पहले ही अन्य परेशानियों से जूझ रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो देश के हालात है, महामारी से देश गुजर रहा है, ऐसे हालात में भी हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली के बिल बढ़ा के दिए जा रहे हैं, जब एक 500 या 800 बिल हुआ करते थे, वो 5-5, 8-8 हज़ार बिल हो गए हैं। ऐसे समय में, महामारी के समय में उल्टा जनता का ध्यान रखना चाहिए। आज पूरा देश केवल एक, हम विपक्ष ही नहीं हल्ला बोल कर रहे हैं, बाकी जनता भी सब त्रस्त है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम जनता सब त्रस्त है इस चीज़ से। ऐसे समय में बिजली के बिल माफ़ किए जाए, जो कोविड के टाइम में स्थिति हुई है, सबके रोजगार बंद है, न किसी के पास व्यापार है, न किसी के पास रोजगार है, ऐसे समय पर कम से कम सरकार को आम जनता का विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए।